आज इस पड़ाव का दूसरा दिन है। हम सभी जानते हैं कि 12 सूत्री मांग को लेकर के ये देशव्यापी महापड़ाव इस संसद मार्ग में चल रहा है। मैं दो एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम कानून की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जितने कानून हैं श्रमिकों के लिए, जितने भी कानून हैं वो 95% मजदूरों के ऊपर में लागू नहीं हो पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 95% जो मजदूर है उसको मिनिमम वेज नहीं मिल पाता है। कानून है, तंत्र है उसको लागू करने के लिए, लेबर दफ्तर है उसको लागू करवाने के लिए, लेकिन ये लेबर दफ्तर और जो सरकारें हैं वो किस तरीके से इसका दमन करती हैं, कानून का मजाक बनाती हैं, आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे उनको न्यूनतम वेतन दिलाने का अधिकार है, न्यूनतम वेतन लागू कराने का अधिकार है, वहीं पे इनको इस तंत्र के द्वारा कानून को लागू करवाने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और इसी मजाक के बीच में चुनाव के माध्यम से जो हमारी सरकारें आती हैं, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था मोदी जी भी हाथ लहरा करके देश के सामने ये वचन दिए थे और घोषणा किए थे कि बहुत हो गया महंगाई, बहुत हो गया बेरोजगारी, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई सड़कों पे नहीं मरेगा, अब इसका अंत होने वाला है। और देश की जनता उनके बातों में आया ये समझा कि शायद ये सरकार, ये मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन आज जिस रास्ते पर लाए हैं कि आज जो 44 कानून थे उन सारे कानूनों को ख़त्म करके 4 कानूनों में बदल रहे हैं, और यहाँ तक कि उसके लड़ने की जो अधिकार है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमला है, ये बहुत बड़ा आम जनता के साथ खिलवाड़ है, इसको हमें समझना है। और जो यहाँ पे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के माध्यम से जो आगे का प्रोग्राम लिया जा रहा है उसको समझ करके उसको कामयाब करने की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारें एक के बाद एक काले कानून ला रही हैं, जिस तरीके से उनके अधिकारों का खुलम खुला उल्लंघन कर रहे हैं, इसको एकमात्र रास्ता है आंदोलन के माध्यम से ही ये सरकार हो, प्रशासन हो, इन सभी को रास्ते पर लाया जा सकता है। और ये आंदोलन का जो कड़ी है इसको हमें टूटने नहीं देना चाहिए, इसको आगे लेकर के जाना चाहिए। इसमें जो जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि आंदोलन भी एक सही दिशा में चलना चाहिए। एक कार का ड्राइवर, वो कार का ड्राइवर अगर हम बदल दें तो भी वो कार जिस रूप में चलती है, जिस तरीके से चलती है, जो बनावट है वही रहेगा। ये तंत्र भी वैसा ही है। अगर हम इनके पॉलिसी को नहीं समझेंगे, इनके नीति को नहीं समझेंगे और उसको बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो शायद हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो भी सही दिशा की तरफ नहीं जा पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कसर एक हो, संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद।